मैं आपको एक खाके बता देती हूँ। यहाँ हमने लिए हैं दो बड़े आलू जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और दो तीन बार अच्छे से धो के इस तरह से इसमें पानी करके रखा है ताकि ये काले ना पड़े हैं। इसे हमने मोटे वाले में किया है और मैं इसमें से इसका पानी हटा दूंगी अलग। देखिए पानी तो मैंने इसमें से निकाल दिया है पर फिर भी इसको दोनों हाथ से ऐसे करके रह जाता है थोड़ा सा, तो आप निकाल के एक अलग बर्तन में हम निकालेंगे। यहाँ ये मैंने लिया है बेसन, ये मैं इसमें डालूंगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच, ज़रूरत लगेगी और डालेंगे वैसे बेसन, कोशिश करना कम डालना पड़े। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, ये हींग, ये लाल मिर्च पाउडर, ये अजवाइन, ये चाट मसाला। यदि आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा सा कम डालना क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है। ये हरी मिर्च और एक पिंच हल्दी, वैसे ये ऑप्शनल है, मिला लेते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बार इसको बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मैं इसे हाथ से करूँगी तो इजीली हो जाएगा। और अभी इसमें मुझे बेसन कम लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच बेसन और डाल लेती हूँ। देखिए मेरे पास में धनिया नहीं है, तो आपके पास में हो तो आप ले सकते हैं, धनिया से अच्छा टेस्ट आता है, बट अभी नहीं है। और थोड़ा सा पानी और हल्का सा, तो यहाँ ये पेस्ट इसका तैयार है। यदि आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप पालक ले सकते हैं, बट मेरे पास ये दोनों ही नहीं है क्योंकि अभी सब्जी वाले हमारी कॉलोनी में नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, 1 चम्मच साबुत धनिया लेना, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेना, हो तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी अच्छा टेस्ट आता है, इससे भी एक बार मिला लेते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास बैटर तैयार है। यह हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसको हमें मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और ये हम इसमें डालते जाएंगे, आप चाहे तो स्पून से डालें या हाथ से, अगर आपको कंफर्ट है तो आप हाथ से भी डाल सकते हो। तो जब ये हल्का हल्का सिक जाए तो फ्लेम को कर देना मीडियम टू लो और इनको अच्छा क्रिस्पी गोल्डन सिकने देना। और ये बढ़िया से सिक चुके हैं, एकदम क्रिस्पी, ये देखिए कलर से ही पता चल रहा है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ ये हमारे एकदम क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। इनको बनाते वक्त याद रखना है जो हमारा लास्ट में पेस्ट तैयार होगा वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकती है पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया सा कलर है, एकदम से क्रिस्पी, ये तो दिखने में ही पता चल रहा है कि कितने अच्छे से क्रिस्पी होंगे। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको एक खा के बता देती हूँ। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।